भारत का एक खूना नहीं जहाँ चमत्कार न हो। उत्तर में पत्थर पर बर्फ है तो दक्षिण में पानी पर पत्थर। यह वही धरती है जहाँ नदियाँ भी पूजी जाती है। एक शब्द में कहूँ तो भारत सर्जन और विसर्जन की भूमि है। यहीं ब्रह्मा, यहीं विष्णु, यहीं शिव है। तो आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देखते हैं हमारे भारत के योगदान की एक सुंदर झलक। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज का यह कार्यक्रम हमारे परंपरागत भारतीय दर्शन का स्वरूप है। जिस देश की यह जयगाथा है, जो विश्व भर में गूंज रही है, वो हमारा भारत देश है। हमारी भारतीय संस्कृति युगों से जगत गुरु के पद पर आसीन है। वेदों उपनिषदों से लेकर कई अवतारी महापुरुषों ने अपने उच्चतम आध्यात्मिक विचारों से ये जगत को प्रभावित किया है। किंतु अध्यात्म के साथ साथ यह देश कई भौतिक आविष्कारों की जन्मभूमि रहा है। इतिहास कहता है कि जब विश्व का अन्य हिस्सा अज्ञान के अंधकार में डूबा था, तब भारत में ज्ञान और विज्ञान का सूर्य दैदीप्यमान था। कैसा था हमारा भव्य भारत, कैसे थे हमारे ऐतिहासिक प्रदान। आज भारत के उन गौरवपूर्ण प्रदानों की एक चिरंतन स्मृति लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। चलिए इसकी एक झलक देखें। भारत संस्कृति, धर्म और भाषा की भूमि, शौर्य, धैर्य, परोपकार और पुण्य की धरती। यहाँ पत्थर में भी प्राण बसते हैं, शायद इसीलिए हर दिल में भगवान बसते हैं। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या अग्यारी, यहाँ हर मन में आस्था होती है, कुछ पाने की उम्मीद होती है। इसी आस के भरोसे ईश्वर की हर चौखट पे पूजा होती है। सुजलाम सुफलाम की धरती भारत, खेती और सिंचाई की सबसे प्राचीन भूमि, जिसकी नींव किसान है। गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान अपनी रोटी पाने के लिए किसान पर ही निर्भर रहता था और रहेगा, वो भी ठिठुरती ठंड में या चिलचिलाती धूप में। धरती माँ को अपने खून पसीने से सींचता है। शायद इसीलिए लहराते खेतों को किसानों की कहानी कहते हैं। इस धरती पर 10,000 वर्ष पहले 20 प्रकार के धनधान्य की खेती हो रही थी। सभ्यता के इतिहास में ऋतुओं के ज्ञान के साथ खेती का ज्ञान सिद्ध करने में भारतीय लोग सबसे आगे थे। और लोकशाही की जन्मभूमि है भारत। सदियों पहले अलग अलग रंगों की लकड़ियों से चुनाव की प्रक्रिया हुआ करती थी। जन समुदाय अपने पसंद के अध्यक्ष को इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से अधिकार प्रदान करता था। यहाँ गणतंत्र स्वराज का आरंभ हुआ था वैदिक समय में। हम आज भी इसी परंपरा को अपनी धरोहर मानते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत लोकशाही के लिए प्रथम स्थान पर अंकित है। करोड़ों की जनसंख्या में भी व्यक्तिगत विचारधारा को यह भूमि आदर प्रदान करती है। एक कुआं सात घड़े, श्रुत रूपी पानी से हर घड़े भरे, अक्षर बने, शब्द बने, मंत्रों के शास्त्रार्थ से वेद बने। ये भारत की ही भूमि है, यहाँ जीव भी अवतार बने। भारत ने शिक्षा की सबसे पहली ईंट रखी थी इस धरती पर। आज से 10,000 वर्ष पहले यानी वैदिक गुरुकुल के समय में तो विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का जन्म भी यही हुआ था।
तक्षशिला विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी, जहां भारत एवं कई देशों के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां अर्थनीति, राजनीति, शस्त्र विद्या आदि 64 विद्या पढ़ाई जाती थी 2500 वर्ष पहले। चिंतन था, गहन था, विचारों का उत्तम समन्वय था। शायद गुरु में ही गोविंद था, यही नींव थी भारत की। हिमालय सी थी नालंदा, जहां बहती ज्ञान की गंगा, यहां हर व्यक्ति को मिली उद्व दिशा। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा की शुरुआत देवी देवताओं के ग्रंथ से हुई थी और बाद में इसका उपयोग मानव चिकित्सा में होने लगा। सुश्रुत संहिता में यह स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार स्वयं धन्वंतरी ने वाराणसी में एक पौराणिक राजा के रूप में अवतार लिया और उसके बाद कुछ बुद्धिमान चिकित्सकों और स्वयं आचार्य सुश्रुत को भी दवाइयों के विषय में ज्ञान दिया। महर्षि सुश्रुत विश्व के सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं में कौशल्य हासिल किया था। इस देश में ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी। आरोग्य के क्षेत्र में विज्ञान परिषदें भी आयोजित की जाती थी हजारों वर्षों पहले ऋग्वेद के समय। महर्षि चरक विश्व के सर्वप्रथम फिजिशियन थे, जिन्हें 100,000 औषधियों का ज्ञान था। युगों से चलता आ रहा और युगों तक चलने वाला आयुर्वेद शास्त्र ये भारत की ही देन है समस्त विश्व को। जर, जीवन और मृत्यु, इस काल चक्र में संहारक देव महादेव। शायद जगत शिव को मात्र संहारक देव के नाम से जानते हैं, पर जीते जी ही मरने की कला है योग और महायोगी है शिव। शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए योग है। योगी की साधना मतलब योग, और उसके अलग अलग आसन ही है योगासन। जीव को शिव बनाने वाला शुक्ल ध्यान और आत्मा को परमात्मा बनाने वाला योग समस्त मानव जाति के लिए हमारे देश का अमूल्य उपहार है। और अंतरिक्ष विज्ञान की पहली किरण निकली थी भारत से। विश्व के कई देश अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे, तब भारतीय ऋषि सूर्य और चंद्र के उस पार नक्षत्र को नाप रहे थे। ग्रहों का मानवीय जीवन पर प्रभाव, राशिफल, कुंडली, यह सारे शास्त्र भारत ने प्रदान किए हुए हैं। सूर्य और चंद्र की गति, पृथ्वी का व्यास, ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण और मनुष्य के मन में हुई भाग्य को जानने की कुतूहलता आदि कई खोज भारत की देन है। विश्व का सर्वप्रथम कैलेंडर भी भारत ने ही दिया था। गणित और अंक शास्त्र का उद्भव हुआ था भारत में, जिसने गणित का भी हिसाब बदल दिया। ऐसे शून्य की खोज हुई इस भूमि पर। 1 से 9 तक सभी अंक की खोज भारतीयों ने की है। विश्व के अर्थशास्त्र का आधार रहा है ये अंकशास्त्र। दशमलव पद्धति की जन्मभूमि है भारत। शायद विश्व की ये सबसे बड़ी खोज है, जिसके बिना न कंप्यूटर होते न इतना विकसित विश्व। वैदिक गणित की भी जननी थी भारत की ही ये पावन भूमि। विश्व के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे प्राचीन महाकाव्य है रामायण और महाभारत। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि ने ये रचे और जिसका अमर संदेश आज भी घर घर में पवित्र प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र का गीता सार और अयोध्या की त्याग भूमि एक सुनहरे इतिहास का प्रमाण है। यहाँ एक काव्य ने जगत को मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिए, तो दूसरे ने यज्ञसेनी
द्रौपदी का साक्षात्कार कराया। सच में ये दो महाकाव्य भारत की अमूल्य भेंट हैं। विविधता में एकता है भाषा, संस्कृति सभ्यता है भाषा, विनय विवेक मान स्वाभिमान हर इमारत की बुनियाद है भाषा, संबंधों की संधि और वाचा की प्रतिछाया है भाषा, मन को जोड़ती और जीवन को उभारती मन पावनी गंगोत्री है भाषा। भारत अनेक भाषाओं से बंधी हुई भूमि, यहाँ हर भाषा को मान मिलता है। भाषाओं का समीकरण है साहित्य। युगों से अवतारी पुरुषों ने उस समय की भाषा में जो विचार एवं विचारधारा प्रस्तुत की, उसे शब्दों के रूप में अंकित करके साहित्य का उद्भव हुआ। समय के साथ साथ हर भाषा में इसका रूपांतरण हुआ, विचार बदलते रहे और वाचा की समझ बनती रही भाषा। तो मन के भावों की भाषा बना संगीत, सात सुरों से रचा संगीत, स्वर सुर ताल और लय में बंधे विविध राग के प्रभाव से प्रकृति भी परिवर्तित की जा सकती थी। साहित्य और संगीत की संधि है नृत्य। नृत्य के भारतीय स्वरूप आज भी विश्व भर में सराहनीय है। भारत टुकड़ों में बटा पर एक ही दिल से धड़कता, हर कण कण में शौर्य गाथा को गुनगुनाता, सौंदर्य से सजा कलाकृति संगीत और संस्कारों के तारों से अलंकृत हुआ, उगते सूर्य और चमकते सितारों में दैदीप्यमान हुआ देश। ना केवल भौतिक विद्याएं किंतु गहन चिंतन दर्शन और उन्नत भावनाओं की यह भूमि, जिससे समस्त मानव जाति का उत्कर्ष हो सकता है। जैसे कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र